हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल वीवी फाणी ड्राइंग ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जो जो मेरे चैनल में नए नए आए हैं वो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज का टॉपिक है स्नो माउंटेन्स इन द इवनिंग। तो चलिए हमने किस प्रकार बनाया उसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2B के पेंसिल से हल्के हल्के से माउंटेन्स बना लिए हैं। देखिए मैंने किस प्रकार से माउंटेन बनाया है, उसी प्रकार आपको माउंटेन बनाना है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आमने सामने नहीं, दोनों के बीच में लंबा पहाड़ दिखाई देगा। बाद में हम नीचे लेवलिंग निकाल लेते हैं, पानी का जो स्ट्रीट लेवल रहता है। तो हमने एक लाइन खींच लिया है माउंटेन के नीचे, फिर हम रेड कलर निकाल कर माउंटेन के ऊपर में मैंने बॉर्डर दिया है पहले, बाद में उसको अच्छी तरह से माउंटेन को रेड कलर से डिवाइड कर दिया है। देखिए मैंने किस प्रकार से डिवाइड किया है, ठीक उसी प्रकार माउंटेन के पीछे पीछे हमें डार्क डार्क रेड स्टैंडिंग या स्लैंट शेप में ही भरना है। तो देखिए मैं लगभग रेड कलर को अच्छी तरह से भर दिया है एक साइड। बाद में हम अपना दूसरा कलर निकालेंगे, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर को रेड में अच्छे से मिक्सिंग करते करते हुए दोस्तों ऊपर तक हमें जाना है। ध्यान दीजिएगा, हमें ऊपर वाइट छोड़ना है, और हम ऊपर वाइट नहीं छोड़ेंगे तो लाइटिंग नहीं दे पाएंगे। बाद में हम येलो कलर लेंगे और वाइट में मारते मारते ऑरेंज और रेड में भी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे। देखिए मैंने किस प्रकार से दोनों में अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दिया है। फिर रेड कलर निकाल कर माउंटेन्स को हम अच्छे से डिवाइड करेंगे दोस्तों रेड कलर से। देखिए मैं किस प्रकार से माउंटेन्स से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार हम तीनों माउंटेन्स में भी हर माउंटेन को अलग करेंगे। देखिए मैंने किस प्रकार से यहाँ पे माउंटेन्स को अलग किया है। बाद में हमने जिस स्काई में भरा था रेड के ऊपर में ऑरेंज, ठीक उसी प्रकार हम रेड के ऊपर से ऑरेंज को अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। ध्यान देंगे हम बिल्कुल ऊपर तक नहीं मारेंगे, वो हमें ध्यान देना है क्योंकि हमें ऊपर में लाइटिंग छोड़ना है। उसी प्रकार हम तीनों माउंटेन्स में ऑरेंज मिक्सिंग कर देंगे। बाद में हम येलो कलर निकाल कर ऑरेंज के साथ ऊपर में व्हाइट में थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, ऊपर में हम व्हाइट व्हाइट थोड़ा छोड़ना है तीनों माउंटेन्स में। तो देखिए लगभग मैंने माउंटेन्स बना लिया है। अभी हम एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल या कोई ब्लैक मार्कर लेंगे और जो पाइन ट्रीज होते हैं माउंटेन्स के ऊपर में, वो थोड़ी छोटी छोटी लकीरें हमें दिखानी है दोस्तों। छोटी छोटी लकीरें हमें ऐसे दिखानी है ट्री के जैसे, उसी प्रकार हम माउंटेन में कहाँ कहाँ पर छोटे छोटे ऐसे ट्री बना के हमें दिखाना है और पहाड़ के सामने सामने हमें अच्छी तरह से भरना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे भर दिया है अच्छी तरह से पेड़ की जैसे। फिर मैंने प्रूशन रूल लिया है, नीचे से डार डार से प्रॉपर लाइनिंग लूंगा और धीरे धीरे ऊपर में मारते जाऊंगा। ध्यान देना है दोस्तों, मारते मारते बीच में व्हाइट का लाइटिंग भी छोड़ना है। देखिए मैंने किसी लहर के जैसे व्हाइट व्हाइट का एक पट्टी जैसे छोड़ा है, आमने सामने नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे करके ही छोड़ा है। उसी प्रकार हमें प्रूशन रूल मारना है। ध्यान देंगे कि हम पूरे ऊपर तक हमें मारना नहीं है। बाद में हम स्काई ब्लू लाइट ब्लू निकालेंगे और ऊपर से मारते मारते नीचे आएंगे। जिस प्रकार हमने प्रूशन ब्लू को मारा था व्हाइट व्हाइट छोड़कर, उसी प्रकार स्काई ब्लू को भी उसी प्रकार हम थोड़ा छोड़ छोड़ कर भरेंगे। देखिए मैंने किस प्रकार से स्काई ब्लू को भरा है, आपको उसी प्रकार स्काई ब्लू को भरते जाना है। फिर हम व्हाइट कलर लेकर प्रूशन ब्लू में अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे दोस्तों। देखिए मैंने किस प्रकार से मिक्सिंग करते करते कलर भरा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी स्काई ब्लू प्रूशन ब्लू में अच्छी तरह से व्हाइट कलर को भरना है। जैसे ही हम व्हाइट कलर भर देंगे पानी में, फिर हम एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल लेकर हम पत्थर बनाएंगे। देखिए मैंने किस प्रकार से बड़ा से छोटा पत्थर बनाया है, हम ऐसे ही पत्थर थोड़ा बनाना है दोस्तों। आप चाहेंगे तो क्यूब या बड़ा बड़ा शेप में भी बना सकते हैं, हमें अपने ड्राइंग के आकार में ही पत्थर को बनाना है। बाद में हम अच्छी तरह से प्रॉपर शेप निकालेंगे और पत्थर को एक जगह बनाकर छोड़ देंगे। फिर हम ऊपर में से बाउंड्री बनाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने किस प्रकार से बाउंड्री बनाया है, बड़ा छोटा उसी प्रकार आपको बाउंड्री बनाकर बीच में एक लकीर खींच देना है, वो भी मोटा से पतला हमें लकीर खींचना है। लकीर खींचने के बाद
हम जो माउंटेन के नीचे जो पाइन ट्रीज बने हुए हैं हम उसके शेडो डालेंगे। दोस्तों आप पेंसिल से भी दे सकते हैं, देखिए मैंने किस प्रकार से आमने सामने पेंसिल से स्ट्रोक्स भरा है ऊपर से नीचे नीचे हल्का हल्का से, आप उंगली से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पेंसिल से किया है ना, अभी मैं आपको ब्लेंड करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार से। ऐसे ब्लेंड करने के बाद आप चाहेंगे तो डायरेक्ट अपनी उंगली से भी दूसरे तरफ से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने किस प्रकार से ब्लेंडिंग किया है, ठीक उसी प्रकार आप अपने शेड के हिसाब से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने इस प्रकार यहाँ पे ब्लेंडिंग कर दिया है और पेड़ का शैडो पानी में डाल दिया है। फिर हम कोई स्क्रैचर या कोई धारदार वस्तु लेकर पानी को हम अलग करेंगे। देखिए मैं किस प्रकार से गाड़ी खींच रहा हूँ डार से, तो मैं व्हाइट का लाइन दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है शायद, उसी प्रकार हम थोड़ा लहर लहर नुमा थोड़ा थोड़ा घार देंगे। देखिए मैं किस प्रकार से लहर लहर नुमा थोड़ा घार रहा हूँ। मैंने स्केल लिया है दोस्तों, आयरन स्केल, जिससे थोड़ा थोड़ा कलर स्क्रैच हो जाता है। देखिए उसी प्रकार आपको भी थोड़ा थोड़ा घार घार के निकालना है, आप चाहेंगे तो स्क्रैचर से भी कर सकते हैं। बाद में हम यहाँ पे पाइन ट्री बनाएंगे। दोस्तों देखिए मैंने अपने डार्क पेंसिल से ही पाइन ट्री बनाया है। दोस्तों ध्यान दीजिए, कभी भी ऑयल पेस्टल के ऊपर में स्केच पेन या जेल पेन यूज़ मत कीजिएगा, इससे आपका स्केच पेन और जेल पेन ख़राब हो सकता है। उसीलिए मैंने डार्क शेड का पेंसिल लिया है जिससे मैं आराम से बना रहा हूँ। आप भी एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो 10B या 8B का पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने भी छोटा सा बाउंड्री बना दिया यहाँ पे। फिर हम हर पेड़ के ऊपर में थोड़ा थोड़ा पॉइंट पॉइंट डाल देंगे। देखिए मैंने किस पर पॉइंट पॉइंट डाल दिया है और जो मैंने बाउंड्री बनाया था उसके ऊपर मैंने गोल बनाकर एक छोटा छोटा डंडे भी बना दिया है। अब इसी प्रकार पूरे ड्राइंग को बनाना है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने तो अपना ड्राइंग बना लिया है, मैं अभी मास्किंग टेप को निकाल देता हूँ, कैसा दिखाई दे रहा है मैं थोड़ा देख लेता हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो जो मेरे चैनल में नए नए आए हैं प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।